हमीरपुर के बड्डू बहु तकनीकी संस्थान के मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय T20 क्रिकेट टूर्नामेंट खिताब पर ऊना ने अपना कब्जा जमाया है। फाइनल मुकाबले में ऊना ने बिलासपुर को हराकर अपना वर्चस्व कायम किया है। वहीं ऊना के केशव को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से भी नवाजा गया। 5 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट में प्रदेश के 10 जिलों की टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट के समापन पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा ने विजेताओं को पुरस्कृत किया। इस अवसर पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा ने कहा कि खेलों के विकास के लिए प्रदेश सरकार कृतसंकल्प है। युवा शक्ति को सही दिशा में ले जाने और प्रदेश की खेल एवं युवा गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इस वर्ष सरकार ने युवा सेवाएं एवं खेल विभाग के बजट में बढ़ोतरी कर 40 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 6 स्थानों पर 3.5 करोड़ की लागत से खेल स्टेडियमों का निर्माण किया गया है ताकि खिलाड़ियों को अभ्यास की बेहतर सुविधा मिल सके। राजेंद्र राणा ने कहा कि उत्कृष्ट खिलाड़ियों को उचित मान सम्मान प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी विभागों निगमों बोर्डों में 3% आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। इसके साथ ही गत 4 वर्षों में 85 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को विभिन्न विभागों में रोजगार प्रदान किया गया है। हमीरपुर के पॉलिटेक्निक कॉलेज के ग्राउंड में पिछले 5 दिनों से हिमाचल प्रदेश T20 क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से प्रदेश स्तर का ये टूर्नामेंट यहाँ पर हुआ है और यहाँ पर सभी जिलों से टीमें आई थी। आज उसका समापन है और मुझे खुशी है इस बात की कि आज ये समापन भी किया जा रहा है और 5 दिन यहाँ पर प्रदेश के जो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं उन्होंने हमीरपुर में यहाँ पर अपना प्रदर्शन दिखाया है। इससे खेलों को और भी बढ़ावा मिलेगा और यहाँ के नौजवान जो इस टूर्नामेंट को करवा रहे हैं, प्रदेश की एसोसिएशन जो T20 की है वो करवा रही है, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ऐसे टूर्नामेंट हर जगह होने चाहिए ताकि नौजवान जो है नशों की तरफ ना मुड़ें और अपनी सेहत का ध्यान रखें और देश के लिए काम करें। इससे पहले T20 क्रिकेट एसोसिएशन के राज्य अध्यक्ष संजीव पठानिया ने मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए टूर्नामेंट के बारे में विस्तार से जानकारी दी। क्रिकेट का फाइनल मैच ऊना और बिलासपुर के बीच हो रहा है। ये पिछले 7 दिनों से ये टूर्नामेंट चल रहा था, स्टेट लेवल का ये टूर्नामेंट है जिसमें 10 टीमों ने भाग लिया। ये हिमाचल प्रदेश क्रिकेट T20 क्रिकेट एसोसिएशन के नाम से ये संस्था है जिसके अंतर्गत ये मैच करवाए जा रहे हैं यहाँ पे। आज ये फाइनल मैच ऊना और बिलासपुर के बीच है जिसका अभी मुख्य अतिथि जी यहाँ पहुँचे हैं, राजेंद्र राणा जी, वो समापन उसका करेंगे। बता दें कि इंचियोन साउथ कोरिया में आयोजित 17वें एशियाई खेलों में 5 अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं को नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसमें अजय ठाकुर, पूजा ठाकुर, कविता, विजय कुमार, समरेश जंग को नगद पुरस्कार दिया गया है। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट।